No tak się ja, jo. بسم الله بسم الله بلند آواز بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول مسلمان کافر ہے بولے مسلمان کافر ہے بولو مسلمانوں کافر ہو بولو مسلمانوں کافر ہو کافر جنوں یا جننی سچ بولو چھوڑ دوں گا جنوں یا جننی जिन्नी तो उससे हिंदुआनी है सिखनी है ईसाई है कौन है किस मजहब से तो लगे सच बोल हिंदू अच्छा हिंदू सच्चे होते हैं झूठे होते हैं तुम्हारे मजहब के मुताबिक झूठे होते हैं बहुत ज्यादा झूठे होते हैं या कम होते हैं अच्छा हिंदुआनी तेरा नाम क्या है बोल तेरा नाम क्या है सच सच बता दे छोड़ दूंगा शाबाश बोल हिंदुआनी तेरा नाम क्या है बोल क्या नाम है तेरा बोल नाम तेरा क्या है सनम है सनम सनम हिंदुआनी अच्छा सनम ये बात बता तू कि तू अपना तेरी उम्र कितनी है 50 साल तू बच्चे के साथ कैसे आई है अच्छा लगता है तू इसके साथ आशिक हो गई है इसकी कहाँ से हुई है इसके घर के बुलंद आवाज से बोलना फिर तुमको डरती क्यों है सच बात बता मैं छोड़ दूंगा इसके घर के पास से आई है इसके घर के पास से इसका घर कहाँ पे है कश्मीर में तो इसके घर के तू नजदीक रहती है तो किस तरीके से तू इसके साथ टच हुई है ये बता छोटा सा था कितनी उम्र का था 2 साल का था उस वक्त की तू इसके साथ है अच्छा तूने इसके क्या क्या नुकसान किए हैं सच्ची बात बतानी फायदे किए नुकसान किए हैं नुकसान नहीं किया ये कहता है जनाब जी तो मुझे फोतकी पे जाता हूँ मुझे तकलीफ होती है मेरा मैदा पकड़ा होता है मुझे सर में दर्द होता है मुझे गुस्सा आता है ये तू दिलाती है अभी फुल जिस्म में आ फुल ताकत से आ शाम फुल फुल जिस्म में आ और ताकत से और जिस्म में आ जा और ताकत से शाबाश है और ताकत से आ जितनी ताकत है तेरे पास आ हाँ और ताकत से आ और ताकत से आ जा और ताकत से आजा और ताकत से फुल आ और ताकत से दाखिल हो जा और ताकत से फुल ताकत से जितनी तेरे पास ताकत आ अभी बाबा जी से 2-3 चपेड़े में तुम्हें मरवाऊंगा नहीं नहीं मरवाऊंगा नहीं नहीं 2-3 मरवाऊंगा मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम बाबा जी जोर जोर चपेड़ा मारो इसको ताकि चीखा मारे मारो बाबा जी और चीख मारे और मारो और मारो और मारो चीख नहीं है बाबा जी और जोर से मारे और जोर से मारे इसके सर में कीले मारे चीखे मारे एक बार और मारे और मारे और मारे और मारे सही जोर से चीख मारे सब लोग सुने और आवाज आए और मारे से हाँ जी अपना जिन्नी क्या नाम क्या बता रहे थे सनम सनम इंदवानी अच्छा तू तो अपना इंडिया की है या पाकिस्तान की है इंडिया की रहती इसके घर के पास रहती इसके घर के पास है अच्छा इंडिया की कौन सी जुबान तू बोल लेती है मैं ता तब तो तसल्ली होगी तो इंडिया की कौन सी गोजरी जुबान जानती है कौन सी जानती है कश्मीरी जानती है कौन सी बोलती है जुबान शुरू से इसके घर के पास नहीं कुछ कोई और भी जुबान आती है इसके अलावा इसकी जुबान है इसकी आती है जुबान इसकी जुबान में बात करो ना कौन सी जुबान है इसकी बोल पहाड़ी क्या तेरा नाम बड़ा ना सनमा तेरा ना सनमा तेरी बेकुथ होनी है
किसने करा कोली होनी इस तड़ी बेयो थे होनी है तड़पा को थे होना है ओ भी उठे ही होना है ओ भी उठे ही होना ओ भी उठे होना है बाकी तड़े पेन पर आकु थे होना है सारे थे ही हो अच्छे ही हो इस निक इस निके नाल की चुमटी है गदरे नाल क्या चंगा लगना सा चंगा लगना सा अच्छा तान क्या ख्याल छोड़ से नहीं है छोड़नी अच्छे को अल्लाह ने बढ़िया दर्शनी ताकत थे या नहीं बहुत ज्यादा ही बहुत ज्यादा ही दो त्राच बेड़ा मरवा दूंगी कोई ना मरवा काफी हो गया तू ये हकीकत है गल अस तू इनवानी है जिले वीडियो तू देखी तो क्या महसूस होया सच्ची गल तुसी उच्चा बोल उच्चा अच्छा चाली सी है अच्छा अच्छा खुशी ना लाई है मेरे को खुशी ना लाई है अच्छे मेरे को बहुत सारे जीने कमरे पर रहने कितने नजर आए नहीं कितने दिसना नहीं ताकत आले नॉर्मल है बहुत ताकत आले ताकत आले अच्छा तू वीडियो देखी तो तू खुद ब खुद मैं आना चाह रही है खुद आना चाह रही है अच्छा खुद इस बच्चे की लाके आई है हां खुद लाके आई है इसकी तकलीफ दी थी तकलीफ दी थी इसकी तकलीफ दी थी एक अपनी से करा को लेकर हां हाफिज एक है हां वो भी बड़ी पोचली हाफिज है हां फिर मैं इसको उसको लेके गई हां उस आवाज साफ करके दसया के ताड़े नाल कोई बाहर वाली चीज है बाहर वाली चीज है हां इस फिर हां उस फिर इसकी तावीज देते थे मैं इसकी तावीज नहीं पीन देते नहीं पीन देते नहीं उसने जगह बीच पे अच्छा मैं इसकी नहीं पीन देते तो क्या है अजमत सरकार को चुनला मैं इसकी नहीं पीन देते का टाइम मैंने लबा से पी ले ना तो तू से नहीं क्या दिमाग क्या गल भाई है तू थई गए से उठे गए से थई गए से उन को ले गए से मैं और तू मरे पूरी गिरा शौक तो नहीं होगी मैं तो बूढ़ा बनाया नहीं हां अच्छा तू मारे पूरी गिरा शौक तो नहीं होगी मैं तो बूढ़ा बनाया नहीं अच्छा तू अच्छे आई है हाथ का क्या ख्याल है जी छोड़ से नहीं है छोड़नी है तू प्यार मोहब्बत है यहाँ छोड़ से नहीं चंगा लग रहा था सड़ी गलता मन से तो थे आई है तू की आखा सके भी ना तू मारिया बावे ने दो त्रा चपेड़ों तुझे मारिया वो प्यार मोहब्बत वाली तुम मारिया ने टाल क्या ख्याल है और मेरी गल मन से नहीं मननी पक्की गली अच्छे देखना कहते जिन रहने मना खुश है सारे खुश थे या नहीं डालियां मार रहे हैं मार रहे हैं मैं आग सच ना कलमा पढ़िया मैं मुसलमान हुई मुसलमान मैं दिला हुई इस्लाम कबूल किता दिला हुई इस्लाम कबूल किता उठ के कैसे चल दाढ़ी मार पता लगा अल्लाह हाफिज अस्सलाम वालेकुम Thank you.
बच्चा उठो खड़ा जाओ शाबाश उठ खड़ा उठ शाबाश शाबाश आ तो पकड़ के उठाए बंद ना लो बेटा भी खड़ा हो जाओ दीवार उसे दीवार ना खड़ा हो हाँ जी बेटा क्या महसूस कर रहा है तबीयत तो कैसी है तेरी पट्ठे वाला सिर कदे शने लत शता ला हल्का महसूस कर रही सिर वाला पट्ठे वाला जड़ी मैदे की तकलीफ से देखेंगे मैदे की तकलीफ से ठीक हूं पहले को कितना फर्क महसूस किया मैं तो अमल किया दम किया तू कितना फर्क पाया 70% 70% जी ਇਹ ਤੜੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਤੜੀ 2 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਤੜੇ ਨਾਲ ਜਮੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਬਲੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਆਬਾਦਤ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੜੇ ਪੱਠੇ ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੈਦਾ ਪਕੜਿਆ ਵਾਸੇ ਸਿਰ ਪਕੜਿਆ ਸੇ ਗੁੱਸਾ ਚਿੜੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਵਗੈਰਾ ਪੜਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਅੱਛਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਸੀ ਮੋਟਾ ਕੋਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਲਾਂ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਿਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾ ਗਿਆ ਮਸੂਦ ਮਸੂਦ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਸਨੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਜੱਸਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਮਿਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾ ਹੀ ਸਕਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡੀ ਫਿਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਬਣਾ ਇਤਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਨਾਤੀ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਆ ਝੂਠੇ ਪਰ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਤੀ ਲਾਣਤ ਉਲ ਕਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲਾਣਤ ਫਰਮਾਨਾ ਜਬ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਬਚਾਇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅਮਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕੀ ਜੋ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੀਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਸਿਰਾਈ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਔਰ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਮੋਟਾ ਕੋ ਇਸ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 70% ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੂਦ ਮਸੂਦ ਜੀ ਆਪ ਕੀ ਸ਼ੋਬੇ ਸੇ ਤਲਕ ਰਖਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੂੰ ठीक है एक आप पढ़ी लिखी सोसाइटी से तलक रखते हैं आप क्या कहना चाहते हैं पत्रकार शिवस्ताने के बारे में और रूहानियत के बारे में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी इनकी इनका सिलसिला है और जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो इनसे शफायाब हो के जा रहे हैं तो जिस जिस को जो जो भी बीमारी है वो यहाँ पे एक ना एक बार जरूर हाजिरी दें इंशाल्लाह अल्लाह पाक शिफा देंगे इनके वसीले आपसे किसी ने कोई पैसे तो नहीं मांगे यहाँ पे कोई चार्जेस तो नहीं है इस इलाज के नहीं कुछ भी एक रुपया भी किसी ने नहीं फीस अभी मिल रहा है ठीक है जी आप अपने आपको कितना परसेंट ठीक फील मैं 70% अपने आपको अभी बेहतर फील कर आपने आपको कभी इतनी शिफा मिली है किसी से नहीं कभी किसी से नहीं मिली है मैं इससे पहले किसी के पास गया भी नहीं हूँ एक हाफिज़ साहब ने अपने घर के पास उन्हें तावीज़ दिए थे बल्कि उन्होंने मुझे वापस दोबारा बताया कि तुम्हारे साथ जो है कोई बाहर की चीज़ है जो तुम्हें तकलीफ दे रही है उन्होंने तावीज़ दी है तो मैंने पिए नहीं है मैं फिर आ गया हूँ पीर साहब के पास माशाल्लाह आप मैं काफ़ी ज़बरदस्त फील कर रहा हूँ ठीक है थैंक यू